विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबरोड। फिजिक्स की कंटिन्यूस श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे थे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके अंतर्गत आपने ये पढ़ा था कि भाई गैस के अणुओं का जो वेग होता है वो शून्य से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। स्थावर अवस्था में गैस के अणुओं का घनत्व नियत रहता है। और तीसरा आपने एजम्पशन पढ़ा था कि किसी भी वेग परास में नियत ताप पर अणुओं की संख्या नियत रहती है। फिर आपने पढ़ा था जो फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या का एन वेग परास में, एन सी डी सी इक्वल टू 4 पाई n m/2 πkT रेज टू 3/2 सी स्क्वायर ई रेज टू -m(c²/2kT)-dc। इस सूत्र की सहायता से अपन ने निकाला था कि अपन वर्ग माध्य वेग निकाले, आपने उसकी प्रायिकता वेग निकाला, प्रायिक वेग एंड मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी निकाली 2 kT/m, एवरेज वेलोसिटी निकाली 8 kT/πm। अब अपन इसका जो तीसरा है वर्ग माध्य मूल वेग निकालने के लिए अपन कहेंगे। तो इसमें देखिए, वर्ग माध्य मूल वेग में तीन वैल्यू होती है। देखिए पहले अपन क्या करेंगे, ए वर्ग यानी सी का स्क्वायर किया, फिर माध्य निकाला और अंडर रूट लिया। तो अब अपन सी स्क्वायर बाहर कैसे निकालेंगे, 0 से इन्फिनिटी अणुओं की संख्या एन सी डी सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये अपनी सभी की क्या हो गई, ये सी स्क्वायर का योग हो गया और ये एन से अपन डिवाइड किया। अब अपना इसकी वैल्यू रखी, ये वैल्यू रखी तो ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी फोर हो गया। अपने एन सी डी सी की वैल्यू रखी, एन से एन कट गया, ये आया। अब इसमें एम अपॉन 2 पाई बार आ गया, 0 से इनपुट टू सी फोर एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT/dc आया। एम अपॉन 2 kT को अपने लैम्ब्रा रख दिया, तो यहाँ देखें एम अपॉन 2 kT/m तो क्या होगा, 4 पाई λ/π 3/2 हो गया। फिर 0 से इनफिनिटी c4 e^λ²/dc। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो समाकलन का मान है अपन उसको गामा फंक्शन से निकालेंगे। आपने इंटीग्रल कैलकुलेशन पढ़ा होगा मैथ्स में, ये फॉर्मूला होता है। देखिए x^n e^(a)x^n, m में आपका 1 करेंगे तो -e^(a)x हो जाएगा, m बराबर 2 करेंगे तो क्या होगा -e^(a)x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये अपने एक्स स्क्वायर वाला है, ये सी स्क्वायर है और ये सी फोर है। तो ये फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला होता है, इसमें अपन इस रूप में देखें, इसकी फॉर्म देखिए x^n e^(a)x^n। तो इसका क्या होगा, 1/m, जो m है x के ऊपर यहाँ जो लगा हुआ 1/m, फिर ये गामा m n प्लस 1/m और फिर a के ऊपर ये की पावर लगेगी n प्लस 1/m। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब जब m बराबर 2 कर दे अपन, ये m बराबर 2 करेंगे अपने यहाँ, तो n तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये की ये क्या हो जाएगा, m की जगह 1/2, फिर गामा n प्लस 1/2 अपन a की पावर n प्लस 1/2 होगा। ठीक है, यानी m बराबर 2 का अपना फॉर्मूला ये हो जाएगा। इस गामा फंक्शन में अपन जैसे गामा n प्लस 1 की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, n बाहर निकाल दो और आगे गामा n कर दो, और इसकी वैल्यू जो होती है गामा हाफ या फैक्टोरियम हाफ की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है, अंडर रूट पाई। सॉरी, अब अपन देखिए अपने यहाँ ये फॉर्मूला देखें, x^4 e^-ax² अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, c^4 e^λc²/dx, यानी इसी रूप में। तो यहाँ m तो अपना कितना आया, 4 आया, और n तो आया 4 और m आया 2। अब इसमें फॉर्मूला रखेंगे तो 1/2 4 + 1/2 e^4 / 1/2, इस फॉर्मूले में फिट किया तो 1/2 ये आया अपना गामा 5/2 और ये 5/2। इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, 5/2 को अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ही अपना इसको क्या लिखेंगे, 3/2 + 1 तो 3/2 बार आएगा, फिर अंदर 3/2 आएगा तो क्या आएगा 1/2, फिर अपना हाफ आएगा अंदर तो क्या आएगा उसको अंडर पाई आएगा, तो 3/8 πa/a^5। तो यहाँ क्या ऐसा कैसा आया, 3/8 √π/5। ये थोड़ा ध्यान रखना आपने कि ये 5/2 है ना, इसको अपन क्या लिखेंगे, 3/2 + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/2 आगे आएगा और ये अपना 3/2 आएगा। वापस इसको क्या करेंगे, हाफ प्लस वन क्या आएगा, 3/2 × ½ और अपना हाफ, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, √π, तो 3/4 आया, और ये हाफ अपना नीचे था ही, यहाँ से मानो चाहिए यहाँ से, तो 3/8 आएगा, और ए की पावर कितनी होगी, n प्लस 1/2 n 5/2।
तो कहने का मतलब ये आपका इंटीग्रेशन इस मेथड से आता है। अब अपन यदि तीन रखें तो इसमें आप 3 + 1/2 / a² आप ये 4 आ जाएगा, ये 2 आएगा, 2 को अपन करेंगे तो 2 × 1 1+1 तो आप 1√5 ठीक है, आप 1 और ये गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1/2 a² होगा। ये अपने उसमें पढ़ा था, काम आया था अपने किस में, सी बार निकाल कर। अब अपन देखें ये 3/8 √π/λ5 आया, इसमें से अपन काटने वाले को काट देंगे तो 3/2λ आया। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू रखी तो 3 kT/m आया, तो ये c² बार की वैल्यू आई। अब अपन इसका अनरूट रहते हैं बोथ दी साइड तो CR√3 kT/m आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो गामा फंक्शन का फॉर्मूला है वो इसका यूज हुआ और ये अपनी वैल्यू लिखी। अपन आगे और पढ़ेंगे, क्लोज कर दें इसको।